Hello guys and welcome back to Comic Book Universe. Subscribe करें इस चैनल को और देखिए सबसे best comics इसी चैनल पे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो वीडियो की शुरुआत होती है उस टाइम से जब रेड हल्क ब्रूस बैनर को बताता है कि उसकी एक बेटी भी मौजूद है. बैनर कहता है, क्या ये मेरी बेटी है? उसकी मॉम कौन है? नहीं, ये नहीं हो सकता. रेड हल्क कहता है, नहीं, ये बेटी रोज की बेटी नहीं है. ये फ्यूचर से आई एक औरत की बेटी है. ठंडरा, ये उस फ्यूचर से आई है जहां आदमी और औरत अक्सर लड़ते रहते हैं. ये अपनी जान की बाजी लगाकर एक ऐसी टाइम मशीन में आई है जो किसी भी टाइम खराब हो सकती है, ताकि ये तुम्हारा मुकाबला कर सके. उसने तुम्हारे साथ हुई उसकी लड़ाई को रिकॉर्ड किया ताकि वो फ्यूचर के लोगों को ये दिखा सके कि उसने इतिहास के सबसे ताकतवर आदमी को हरा दिया है. और वो तुमसे काफी अच्छे से लड़ी. उसने तुम्हें पत्थरों के ढेर में भी दबा दिया था, लेकिन वो तुम्हें हरा नहीं पाई. और उसका मकसद तुम्हें हराना नहीं था, उसका मकसद था कि तुम्हारे होठों से वो सेल्स चुरा सके जिससे उसे हल्क का डीएनए मिल जाए. वो ये सब पुराने तरीके से भी कर सकती थी, तुम्हारे साथ सेक्स करके. लेकिन उसके टाइम में औरतों का आदमियों के साथ सेक्स करने की मनाही है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी और तुम्हारे डीएनए का यूज करके प्रेग्नेंट हो गई. कई सालों में प्रेग्नेंट होने वाले वो इकलौती औरत थी. उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया था. वो एक ऐसी बेटी को जन्म देगी जो आगे चलकर ठंडरा की जगह ले लेगी, ताकि वो अपने दुश्मनों को अपनी मॉम से भी ज्यादा ताकत से हरा सके. और ये लायरा की कहानी है, शैवेज शी हल्क की. 23वीं शताब्दी की लड़कियों को ये कहानी तब बताई जाती है जब उनको बोलना भी नहीं आता. बैनर कहता है, और मुझे लगा था कि ठंडरा के साथ मेरी लड़ाई सपने में हो रही थी. इस टाइम लायरा कहाँ पे है? रेड हल्क कहता है, वो हमारे टाइम में है और विजार्ड के साथ मिल चुकी है. और विजार्ड इस टाइम मोर्डोक और लीडर के लिए काम कर रहे हैं. बैनर पूछते हैं, आखिर वो उनका साथ क्यों दे रही है? रेड हल्क कहता है, शायद वो अपनी मॉम के नक्शे कदम पे चल रही है. जब ठंडरा पहली बार यहाँ पे आई थी तब वो यहाँ के बारे में इतना नहीं जानती थी. उस टाइम विजार्ड ने उसे अपनी टीम में कर लिया. रिक जोन्स कहता है, वो लाल बालों वाली ताकतवर औरतों के साथ ऐसा ही करता है. उसने मेडोसा और टाइटेनिया को भी अपनी टीम में मिला लिया था. रेडल कहता है, वो जो भी कुछ कर रही है बैनर, तुम्हें उसे रोकना होगा, वो तुम्हारी बेटी है. विजार्ड की टीम इस टाइम दुनिया के 8 सबसे स्मार्ट लोगों को किडनैप करने के अपने प्लान पे आगे बढ़ रही है. इसलिए जब मैं लायरा से लड़ने जाऊं तब मुझे उसकी एजेंडा के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए. बैनर कहता है, ठीक है, मैं लटवीरे पे अटैक के लिए सरकार को प्रिपेयर करता हूँ. और गाइस, ये सब बातें उस टाइम चल रही है जब कॉस्मिक हल्क डॉक्टर डूम को किडनैप करने जाने वाला था. अब रिक जोन्स बैनर से कहता है, मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बुला लेना. अब रेड हल्क हमें बताता है कि मैंने बैनर को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी. हालांकि बैनर मुझसे बहुत कुछ जानना चाहता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसे नहीं जाननी चाहिए. थंडरा का काम पूरा हो जाने के बाद उसने फ्यूचर में अपनी बहनों से कहा कि मिशन पूरा हो चुका है. लेकिन जो टाइम मशीन वो यूज कर रही थी वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी की थी, और वो मुश्किल ही जानती थी कि उस मशीन को कैसे चलाना होता है और उसे ठीक कैसे करते हैं. उन्होंने कुछ अपने जुगाड़ लगाकर इस मशीन को चलाया था और इस वजह से उनकी मशीन काम नहीं कर पाई और ठंडराम 21वीं शताब्दी में कैद होकर रह गई. फंटास्टिक फोर ने उसे वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गई क्योंकि रीड रिचर्ड्स के इक्विपमेंट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे. अब एक ही रास्ता था कि ठंडरा वेट करे. लेकिन क्या ठंडरा तब तक जिंदा रह पाएगी? उसने अपने कंप्यूटर के क्रायो चैम्बर का यूज करते हुए फ्यूचर में अपनी बहनों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया ताकि वो इस डिवाइस को दफना सके, और ये डिवाइस फ्यूचर में उसकी बहनों को तब मिले जब वो यहाँ पे आने वाली थी. लेकिन बैनर कहेगा कि ये तो एक पैराडॉक्स हो गया. अगर उनको वो चीज़ मिल जाएगी जो उनको चाहिए तो वो ठंडरा को पास्ट में क्यों भेजेंगे? और क्या तब भी उनके पास वो चीज़ रह पाएगी? मुझे क्या पता. ठंडरा ने डेजर्ट में उस डिवाइस को छुपाने के लिए एक जगह बना ली थी ताकि वो अकेली रह सके. लेकिन तब लीडर और इंटेलिजेंसिया को एक गवर्नमेंट प्रोग्राम पेगासस के बारे में पता चला, और इस प्रोग्राम के अंदर ठंडरा की बहुत सारी फाइल्स थी जिससे उन लोगों को ठंडरा के बारे में पता चल गया. विजार्ड कहता है, वो मेरी टीम की चौथी मेंबर बन सकती है.
लीडर कहते हैं हम टंड्रा को अपने लिए तब यूज कर सकते हैं जब हम उसको ये बताएं कि हम उसको वापस फ्यूचर में भेज सकते हैं। अब रेड हल्क हमें बताता है कि मुझे भी उनके इस सीक्रेट के बारे में बाद में पता चला। वो जानते थे कि मैं कोई गधा नहीं हूँ जैसे कि बैनर का हल्क था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि एक हल्क उनके कंप्यूटर में फाइल्स की तलाशी ले सकता है। थंडरा ने लेडी लिबरेटर्स की एक टीम बनाई और जेनिफर वोल्टर्स की मदद की, और तब मेरी थंडरा के साथ पहली मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी खोपड़ी की काफी अच्छी तरीके से बैंड बजा दी थी, और जब मैं जागा तब मेरे दिमाग में लीडर का थंडरा के लिए प्लान घूम रहा था, और मैं जानता था कि मुझे थंडरा के पास लीडर से पहले पहुंचना होगा। रेड हल्क थंडरा को पकड़ता है और कहता है मेरे पास एक प्लान है, मुझे वो मिलता है जो मैं चाहता हूँ। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है, तुम भी। लीडर और मोडोक तुम्हारे पास एक ऑफर लेकर आने वाले हैं तुम्हें वापस घर भेजने के लिए। थंडरा पूछती है क्या वो मुझे वापस घर भेज सकते हैं। रेड हल्क कहता है अगर ये लोग वो करना बंद कर दें जिसकी ये प्लानिंग कर रहे हैं तो हाँ, लेकिन क्या ये तुम्हें घर भेजेंगे? वेल, मैंने कभी उनको ईमानदारी की बात करते हुए नहीं सुना। थंडरा पूछती है फिर तुम उनके साथ काम क्यों कर रहे हो? रेड हल्क कहता है ये देश नरक में जा रहा है और उन्होंने मुझे इसे चेंज करने की पावर दी है। कई बार एक लड़ाई के दौरान तुम्हें दुश्मनों के साथ टीम बनानी पड़ती है। अब तक उन्होंने मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि चीजें खराब होने वाली है। तुम्हें उनका ऑफर मान लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास बस यही मौका है, और जब वो अपनी असलियत दिखाना चालू करें तो मुझे बता देना, मैं पक्का करूंगा कि वो लोग तुमसे किया गया वादा पूरा करें। थंडरा कहती है बस एक सवाल है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? रेड हल्क कहता है इतिहास वो लोग बनाते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तुम वो इकलौती थी जो मुझे मारना चाहती थी। अब रेड हल्क हमें बताता है कि थंडरा आगे कुआं पीछे खाई की सिचुएशन में खड़ी थी। वो ऐसी पहली औरत नहीं थी जो टाइम से लड़ रही थी। थंडरा ने उनका ऑफर तब माना जब एक्सफोर्स मुझसे लड़ने आया था, तब थंडरा मेरी कोड रेड टीम के अंदर थी। तब सैमसन ने अपनी असलियत दिखा दी, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था उस टाइम मैं अंधा था और बहुत घायल था। मेरे पास बस इकलौती उम्मीद थी कि थंडरा वो देखे जो मैं देख रहा था और मेरे ऑफर को मान ले, और इतना काफी था, और ये मोमेंट खेल बदलने वाला था। थंडरा मेरी साइड और मोडो के खिलाफ हो गई थी, और मैंने उसे क्लियर कर दिया था कि मैं अपनी प्रॉमिस पूरी करूंगा। रेड हल्क उसे एक डिवाइस देते हुए कहता है वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। थंडरा कहती है मैं उनके साथ मिलकर उन पर नजर रख सकती हूँ। रेड हल्क कहता है अब वो ये सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अब बस हम तब तक का वेट कर सकते हैं जब वो लोग डॉक्टर डूम को पकड़ने जाएंगे। अगर वो तुम्हारे पीछे आए तो मुझे बुला लेना, उनसे अकेले मत लड़ना। और कुछ टाइम बाद वो लोग थंडरा के पास आते हैं और उसके सामने एक ऑफर रखते हैं। तब थंडरा उस डिवाइस का बटन दबा देती है जो रेड हल्क ने उसे दिया था। तब विजार्ड उस शिप से बाहर आता है और कहता है हम पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं और हम ये दोबारा कर सकते हैं, अब तुम्हें सैमसन के साथ डील नहीं करनी पड़ेगी, तुम सिर्फ मुझसे बात करना। हम जानते हैं कि तुमने रेड हल्क की मदद की थी और अब तक तुम जान गई होगी कि तुम रेड हल्क के ऊपर यकीन नहीं कर सकती, उसे हराने में हमारी मदद करो तब तुम अपने घर पहुंच जाओगी अपनी बहनों के पास। थंडरा पूछती है और इसके लिए मुझे बस रेड हल्क के खिलाफ जाना पड़ेगा? विजार्ड कहता है हाँ, और एक और काम करना पड़ेगा, और तुम्हारे लिए ये काम बहुत ही आसान होने वाला है, तुम्हें रीड रिचर्ड्स को किडनैप करना है। थंडरा कहती है तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्त सुजैन रिचर्ड्स को धोखा दूं ताकि तुम लोग रीड रिचर्ड्स को किडनैप कर सको? विजार्ड कहता है हमें बस कुछ टाइम के लिए उसको रास्ते से हटाना है, उसको कोई चोट नहीं पहुंचेगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन तब थंडरा उनके ऊपर अटैक कर देती है। तब क्लोम अपने सोनिक डिवाइस का यूज करते हुए थंडरा को टॉर्चर करने लगता है और कहता है मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। थंडरा कहती है तुम इतनी छोटी सी चीज से मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। क्लो कहता है ठीक है, तब मैं और कोशिश करूंगा। तब क्लोम अपने डिवाइसेस का यूज करते हुए एक बहुत बड़ी 3D फिगर बनाता है और थंडरा को अपने पंजे में दाब लेता है। इसके बाद ट्रैपस्टर उसके चारों तरफ की मिट्टी को एक लेजर से अटैक करवाता है और कहता है कि इससे अर्थ में मौजूद मिनरल्स तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे और तुम्हारे रोम रोम के अंदर घुस जाएंगे।
तुम्हारी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। तब विजार्ड ठंडरा के डिवाइस पे कंट्रोल कर लेता है और कहता है, ये लोग नहीं जानते कि एक औरत के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, लेकिन मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। तुम्हारा एक क्रायोजेनिक चैम्बर, इसके अंदर वो हल का सैंपल है जो तुम्हें चाहिए, और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तुम्हें और नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब बैनर हल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। टिंडरा कहती है, उसे मत तोड़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विजार्ड कहता है, तब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम हमारे साथ काम करोगी और हमें तुम्हारे अंदर एक माइंड कंट्रोल डिवाइस डालने दोगी। और तभी रेड हल्क आकर उन पे अटैक कर देता है और टिंडरा को छुड़ा लेता है। टिंडरा उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम बहुत जल्दी आ गए। रेड हल्क कहता है, तुम किस्मत वाली हो कि मैं पास के ही स्टेट में था। और फिर रेड हल्क और टिंडरा मिलकर उन लोगों से लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर विजार्ड और उसके साथी वहां से भाग खड़े होते हैं। अब रेड हल्क टिंडरा से पूछता है, तुम यहां बाहर क्या कर रही हो, मुझे तो लगा था कि तुम न्यूयॉर्क में थी। टिंडरा कहते हैं, मैं किसी से छुप रही थी। रेड हल्क कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी से इतना डरती हो। अब टिंडरा उसे दिखाती है और कहती है, ये वो इंसान है जिसे मैं सबसे ज्यादा मिलना चाहती हूँ, ये लायरा है, वो अभी अभी इस टाइम में आई है। रेड हल्क कहता है, तब तो ये सब काम कर जाएगा, तुम वापस फ्यूचर में चली जाओगी। टिंडरा कहती है, हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे फ्यूचर से आई हो। और तब रेड हल्क और टिंडरा के रास्ते फिर से अलग हो जाते हैं। विजार्ड और उसके दोस्त लायरा के साथ मिलकर रीड रिचर्ड्स को किडनैप कर लेते हैं, और बैनर और मैं ये पक्का करते हैं कि वो लोग रीड रिचर्ड्स को किडनैप कर ले, क्योंकि इसी तरीके से हम इंटेलिजेंसिया को ढूंढ सकते हैं। लेकिन रेड हल्क टिंडरा को ये नहीं बताता कि उसकी बेटी विजार्ड के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके बाद कॉस्मिक हल्क डॉक्टर डूम को किडनैप करके ले जाता है, जिसपे टिंडरा और रेड हल्क डॉक्टर डूम की कासल के पास पहुंच जाते हैं। रेड हल्क कहता है कि वो कई सालों से डॉक्टर डूम को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस कासल के अंदर कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब तक वो लोग उस टाइम मशीन के पास पहुंच जाते हैं और टिंडरा को ये टाइम मशीन उसी जैसी दिखाई देती है जो फ्यूचर में उनके पास है। लेकिन तभी कुछ वैम्पायर्स आकर उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं। टिंडरा पूछती है, ये सब कौन है? रेड हल्क कहता है, इन सब का टाइम नहीं है, बस इनकी चटनी बना दो। टिंडरा पूछती है, ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? रेड हल्क कहता है, तुम्हें क्या लगता है, मेरा खून तुमसे अच्छा है, जाओ मैं इनको संभालता हूँ। अब टिंडरा उस मशीन को चालू करने लगती है। वहीं रेड हल्क धूप में जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक वो वैम्पायर्स और भी ताकतवर बनने लगते हैं। और तब टिंडरा टाइम मशीन का यूज करती है, जिससे वो रेड हल्क को साथ लेकर फ्यूचर में चली आती है, ठीक सूरज की लाइट के नीचे, जिससे वो सब वैम्पायर्स जल जाते हैं। रेड हल्क पूछता है, क्या ये फ्यूचर है? अब टिंडरा रेड हल्क को फिर से प्रेजेंट में ले आती है, और तब रेड हल्क को होश आता है। टिंडरा कहती है, मैं बस सोच ही रही थी कि तुम कब जागने वाले थे, क्योंकि मैं इस टाइम मशीन को छुपा रही हूँ। रेड हल्क पूछता है, क्या तुम फ्यूचर के अंदर नहीं गई थी? टिंडरा कहती है, हम दोनों गए थे, लेकिन सिर्फ आधा दिन आगे, ताकि हम वापस इसी पॉइंट पे आ सकें, क्योंकि टाइम में ट्रेवल करना इतना आसान नहीं है। और जब हम वापस आए तो मुझे याद आया कि मेरे लोगों को उनकी टाइम मशीन इसी जगह पे मिली थी। रेड हल्क पूछता है, तो इसलिए ये तुम्हें जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि ये वही टाइम मशीन है? टिंडरा कहती है, और इसलिए मैं जानती हूँ कि ये काम करेगा, मेरा डिवाइस मुझे बता रहा है कि ये टाइम मशीन मुझे घर पहुँचा सकती है, जिस फ्यूचर से मैं आई हूँ, ये तुम्हारे वाला फ्यूचर नहीं है, लेकिन इसकी खुद की एक रियलिटी है। अब वो दोनों अंदर चले जाते हैं। रेड हल्क कहते हैं, तुमने मुझे उन वैम्पायर से बचाया, इसलिए तुम्हारा हिसाब पूरा हो चुका है, हमारी डील खत्म हो चुकी है। थंडरा कहती है, तो तुम हर टाइम डीलिंग्स करते रहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस चीज की शुक्रगुजार नहीं हूँ जो कुछ तुमने मेरे लिए दांव पे लगाया है? अगर तुम्हें आने वाले दिनों में मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता दो। रेड हल्क कहता है, मैं तुमसे कैसे कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा? थंडरा कहती है, मैं अपनी हिस्ट्री के अंदर देखूंगी, अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तो मैं अपनी हिस्ट्री से किसी को तुम्हारे पास जरूर भेज दूंगी। तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, इस गुस्से के अंदर अब भी एक अच्छा इंसान है, और केवल मैं हूँ जो ये जानती हूँ। तब टिंडरा रेड हल्क को किस करती है और वापस फ्यूचर में चली जाती है। रेड हल्क कहता है, एक टाइम के लिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि कहीं वो मेरे डीएनए सेल्स तो नहीं ले गई, लेकिन नहीं, उसकी बेटी हरे रंग की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मेरी बेटी होना चाहिए था, क्योंकि मेरी वजह से यह सब पॉसिबल हो पाया। जैसे कि मैंने पहले कहा था
कि ये टाइम ट्रैवल मेरी समझ में नहीं आता, या फिर मुझे साइंस समझ में नहीं आती, या फिर ये कुछ अलग ही चीज़ है जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, विश्वास। और तब हम देखते हैं कि रिक जोन्स ये सब देख रहा था। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।